नहीं बात तो सुनो। हरकत करने की सोचना भी मत, वरना गाड़ी सीधा तेरे ऊपर चढ़ा दूंगी। चल निकल यहाँ से, ये हमारे दोनों के बीच का मामला है। ये हमारे भी बीच का मामला है। प्रिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अगर आइंदा इसके आसपास भी नजर आया ना तो गाड़ी सीधा तेरे घर में घुसा दूंगी। नीति, नीति, चल निकल यहाँ से, निकल। देख लूंगा तू। जान। तू उसको झेलती क्यों है? गरीबों को तो झेलना ही पड़ता है ना। और वैसे भी किस्मत का क्या पता? कल को अगर मुझे इससे शादी करनी पड़ जाए। ऐसा सोचना भी मत, वरना गाड़ी तेरे ऊपर ही चढ़ा दूंगी मैं। देख अगर पैसे की प्रॉब्लम है ना तो तू मुझे बता दे, मैं पापा से बात कर लूंगी, तेरी कहीं ना कहीं जॉब लगवा देंगे वो। वो तो अच्छा हुआ मेरा ड्राइवर आज गुटली मार गया, तो मुझे खुद डिलीवरी करने निकलना पड़ा। लड़की होके तू कंपनी चलाती है, डिलीवरी भी खुद ही देने जाती है, इतना सब कुछ तू कर कैसे लेती है? अरे हिम्मत हो तो सब कुछ पॉसिबल है, तू भी कर सकती है। चल तुझे घर छोड़ देती हूँ। बहुत पुरानी कहावत है, गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मरना आपकी विफलता है। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल के इस नए अध्याय में। आजादी के इतने सालों बाद आज भी गरीबी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। आज का हमारा एपिसोड भी ऐसे ही एक गरीबी और चाहत से जुड़े गुनाह की एक कहानी है। 21वीं सदी के दो दशक बीत जाने के बाद आज भी लोग अपनी चाहत को हासिल करने के लिए शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं। इच्छा रखना और उसे पाने के लिए कोशिश हमेशा करनी चाहिए, लेकिन फर्क तो सिर्फ इस बात का है कि आप किस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अपने पापा को बुलाइए, मैं लड़कियों से बात नहीं करता, बताऊंगा उन्हें। आप ऐसे पुराने एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल नहीं सकती। टेक ओवर के वक्त ये डील हुई थी। डील 3 साल पहले हुई थी एमएनजी, अब कंपनी मैं संभालती हूँ। अगर कोई ड्राइवर महीने में आधे से ज्यादा दिन काम पर नहीं आएगा तो वो बाहर जाएगा, और अगर आगे से आपने ऐसे किसी इंसान का पक्ष लिया है ना तो आप भी बाहर जाएंगे। बहुत बड़ी गलती की है मेरे पापा ने जो आपको ये बिजनेस बेचा। दीदी आपके झगड़े फिर से चालू हो गए। अरे तो क्या करूं स्वाति, ऐसे लोग ऑफिस आकर लड़कियों को धमकाएंगे, उनको परेशान करेंगे, तो ऐसे लोगों को ऐसे ही हैंडल करना पड़ता है। अरे दीदी तो पापा से बात करो ना, आप क्यों झगड़ा करते फिरते हो? नहीं नहीं, पापा को पहले ही 10 टेंशन है फैक्ट्री की। स्वाति मेरी बात सुन, पापा को कुछ भी नहीं बोलेगी, ठीक है? अरे बोला था ना आराम से काम करो। नीति, ट्रांसपोर्ट ऑफिस में क्या हुआ है और ये पुराने मालिक का लड़का क्यों आया था? पापा वो ऑफिस आकर अपनी पावर दिखा रहा था तो झाड़ दिया मैंने। बस गार्ड से पिटवाया नहीं? क्या पापा आप भी ना। अरे मेरा बच्चा, जो तुझे ठीक लगे ना वो कर, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रॉफिट डबल कर दिया तूने बिजनेस का, बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि अपनी आयरन फैक्ट्री बंद करके तेरे साथ ट्रांसपोर्ट ऑफिस में बैठ जाता हूँ, बस एक बार तेरी शादी करूँ। पापा ये शादी? अरे रुक ना बेटा, ये देख कुछ फोटोग्राफ्स आए। अरे देख तो सही, इनमें से तेरे बिजनेस के साथ किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये लड़के वड़के देखना नहीं होता मुझसे, एंड आई नो आप मेरे लिए जो चुनोगे बेस्ट चुनोगे। चलती है ना तू मुझसे?
मेरे काम से, इसलिए बार बार मेरे काम में टांग अड़ाती है। जलन नहीं, चिंता है आपकी। ठीक है, करो जो आपके मन में है, लड़ो लोगों के साथ, कोई कुछ कर देगा किसी दिन तो। अपना मेकअप का कोर्स करने मुंबई जा और आइंदा मुझसे बात मत करना। अरे स्वाति बेटा, नीति को जल्दी से ले आओ, शादी का मुहूर्त हो रहा है। प्रिया, आप दीदी को लेके आएंगे प्लीज? हाँ, मैं अभी लेके आती हूँ। नीति, नीति, अंकल जी, क्या हुआ? स्वाति, अंकल जी, नीति कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है? मैंने बाथरूम में भी चेक किया, वहां पे भी नहीं है। अरे यहीं कहीं इधर उधर घर में होगी, तुम अंदर जाके देखो जल्दी। नीति, 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 बस कीजिए समधी जी, अब आप बता दीजिए कहाँ भगाया है अपनी बेटी को। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं क्यों अपनी बेटी को उसी की शादी से भगाऊंगा? मैं सब समझ चुका हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं, ये सब किया धरा आपका ही है। या तो आप यहीं बता दीजिए, नहीं तो पुलिस पूछेगी आपसे ये सवाल। सर, इतना इंतजाम करके खर्चा करने के बाद अपनी बेटी को उसी की शादी से भगाऊंगा मैं? क्यों? तो फिर नीति शादी के जोड़े में इतने सारे मेहमानों के बीच में से गायब कैसे हो गई? सर मैं बता रहा हूँ आपको, सब कुछ किया धरा इसी आदमी का है। कोई मालदार पार्टी मिल गई होगी इसको, इसलिए मेरे 20 लाख रुपए देने के लिए। क्या 20 लाख? क्या सर? वो इसने कहा था कि 20 लाख कैश शादी में देगा। मतलब चीचा को 20 लाख रुपए नहीं मिले इसलिए चीचा रूठ गए। चलिए आपको 20 लाख रुपए दिलाते, लेके जाओ इनको। अरे सर, 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 सर एक मिनट, सर, सर, सर कैश है, नीति के कमरे के बाजू वाले कमरे में रखा है सर, लॉकर में। और संदीप जी, आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर। कैसे बात है आप? एक और बेटी को बिजनेस शुरू करके दे दें और फिर दूसरी ओर ये दहेज। क्या लॉकर खुला है और पैसे गायब हैं? सर मैंने पैसे लॉकर में ही रखे थे सर, मुझे याद। बस बस कीजिए पापा, पैसों को छोड़िए अभी, दीदी इंपॉर्टेंट है ना अभी। देखिए, नीति बिजनेस करती है और जाहिर है कि बिजनेस में राइवल्स तो होंगे, तो उसका किसी के साथ कोई झगड़ा या फिर किसी पर आपको कोई शक? हेमंत, हेमंत हो सकता है, या फिर वो प्रिया का आशिक अभय। अभय और हेमंत वाली बात तो पुरानी हो गई है, तो ब्यूटी पार्लर के कोर्स के लिए मुंबई चली गई थी, तुझे कुछ नहीं पता है। सर वो आए दिन नंदू टेरिस पर आ जाता था। नंदू? जी, नीति के लिए उसका रिश्ता आया था, बताया गया था कि वो डॉक्टर है, लेकिन बाद में पता चला कि वो किसी अस्पताल में छोटी सी जॉब करता है, सिर्फ 30,000 रुपए कमाता है, तो मैंने रिश्ता कैंसिल कर दिया। इसी बात को लेकर पूरी फैमिली झगड़ा करने आती थी और खास करके वो नंदू। तो क्या करता? नीति के पापा उससे बात तक नहीं करने देते थे, इसीलिए एक दफा बात करने के लिए टेरेस के थ्रू गया था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता ना कि मैं नीति को उठाकर लेके जाऊंगा। मेरे हॉस्पिटल में मेरे बारे में पूछताछ कर लीजिए, आज तक किसी के घर में डाका डालने की नौबत नहीं आई नंदेश शर्मा की। मैं नीति जितना नीच नहीं हूं सर कि बिजनेस के लिए इस हद तक गिर जाऊंगा। आप किसी से भी पूछ लीजिए, उस रात मैं अपने घर पे था और ये जो उसकी हरकतें थी ना, ये तो होना ही था उसके साथ। हाँ, मैं गया था वहां पे, नीति के बगल में ही मेरे चाचा जी रहते, उनकी लड़की का बर्थडे है आज, इसलिए गया था। अरे साहब, कुछ करना होता ना तो 6 महीने पहले कर देता, 6 महीने इंतजार क्यों करूंगा? वैसे भी मेरी और प्रिया की शादी होने वाली है। पर प्रिया तो तुम्हें पसंद ही नहीं करती है ना? साहब, प्रिया तो मुझे हमेशा से पसंद करती थी, और वो नीति है जो उसको मेरे खिलाफ भड़काती रहती है, एक नंबर की चालाक लड़की है।
सर इसकी शादी होने जा रही थी, फिर ये शादी से ही गायब हो गई, फिर किसी ने इसे इतने बेरहमी से मार दिया। दीदी, नीति, दीदी, किसने किया? गहने कहाँ गए? सब 14-15 लाख से ऊपर के गहने थे। मुझे धक्का देती है। वाशिक, वाशिक तेरी माँ को मार के भाग गया। सुन, जब हम बाहर थे वो खिड़की के रास्ते से घर में घुसा, कुल्हाड़ी से तेरी माँ को मारा और भाग गया। यही बोलेगा तू तो टेंशन मत ले, मैं सब ठीक कर दूंगा, ठीक है? सर ये बृजनाथ बहुत ही अजीब बाप, सामने बेटी की लाश पड़ी थी और उसके मुंह से सबसे पहले क्या निकला? गहना। पांडे, अगर ये बृजनाथ अपनी ही बेटी नीति को प्लान करके गायब करता है तो फिर ये नीति की लाश। एक काम करो, ये बृजनाथ का फोन मांगवा। एक मिनट, बताइए बात क्या है? मुझे मिलने दीजिए साहब से। एक मिनट मैडम, बोलिए क्या बात है? मेरा एक कुत्ता था साहब, एक रात वो घर नहीं आया, करीब 6 महीने पहले की बात है। आपके कुत्ते का और नीति का क्या कनेक्शन? 3 दिन तक मैंने उसे पूरे शहर में ढूंढा, पर मिली उसकी लाश ठीक उसी जगह जहां आपको उस दुल्हन की लाश मिली थी, और ठीक उसी तरह चीर फाड़ खड़ी हुई जैसे उस दुल्हन की थी। मतलब आप ये कहना चाहती कि वो दुल्हन और आपके कुत्ते का कातिल एक ही इंसान है? एक ही है, पर इंसान नहीं, शेर। मैडम इस जंगल में सियार तक नहीं है, शेर। मुझे मालूम था आप लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इसीलिए। एक मिनट, जीतू इधर आ। साहब ये जीतू है, वो रामदीन सिंह है ना, उसकी वर्कशॉप में काम करता था जहां वो लकड़ी और रद्दी का काम होता है। अभी 3 महीने पहले इसने नौकरी छोड़ी है। जीतू बता ना साहब को, तूने उस दिन क्या देखा था? बता, डर मत, बता। साहब उस रात ना बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए मैं ना कारखाने में रुक गया था, और जब बारिश बंद हुई ना तो मैंने बड़े से जानवर की परछाई देखी। मतलब रात के अंधेरे में तूने परछाई देख ली? हाँ साहब, मतलब मेरा कि मैंने बड़े से जानवर को वहां से जाते हुए देखा। मैं इतना डर गया था ना, पूरी रात मैं कारखाने में रुका, और उसके बाद मैंने कुत्ते की चीख सुनी। बेटा बारिश तो बहुत हुई थी ना उस रात, है ना, तो जमीन तो गीली हो गई होगी। तो दूसरे दिन सवेरे तुझे शेर के पंजों के निशान नहीं दिखे? बोल। कुछ भी हो जाए आप लोग तो मानेंगे नहीं, क्योंकि शेर को पकड़ना तो आप लोगों के बस में है नहीं। जीतू चल, इन्हें बोलने का कोई फायदा नहीं, ये हमारी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। सर ये रिपोर्ट आ गया। ये क्या नया ट्रैक है पांडे? शेर? सर ये सरिता जी अकेली रहती हैं, तो शायद मनगढ़ंत कहानियां बनाती होंगी। सर मेन प्रॉब्लम तो यहाँ है फॉरेंसिक रिपोर्ट पे, हमें टेरेस पे जो ब्लड मिला था वो लड़की का है ही नहीं। तो हमारे किसी सस्पेक्ट का होगा, नंदू और बाकी सस्पेक्ट से मैच करवाओ। जी सर। अलमारी में कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिला। तो पांडे ऐसा हो सकता है कि जो आया था वो ग्लव्स पहन के आया हो। तो मुझे ये बताओ ना कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो एक अजीब बात सामने आई है, नीति की बॉडी पर जो घाव थे उसमें लकड़ी का चूरा मिला है। लकड़ी का चूरा? इसका मतलब है जो मर्डर वेपन है वो लकड़ी काटने के काम आता है। पांडे ये सरिता जी जो अभी आकर गई वो किसी रामदीन के बारे में बात कर रही थी, जिसकी कुछ लकड़ी काटने की और रद्दी की वर्कशॉप। जी सर। चलो इस रामदीन से मिलकर आते हैं। कमाल करते हैं साहब, डेड बॉडी पे लकड़ी का भूसा मिल गया और आप सीधे हमारे वहां चले आए।
ये बंद कर, बंद। सिर्फ इसलिए नहीं आए हम, इसलिए भी आए हैं क्योंकि वो बॉडी आपके इस वर्कशॉप से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर मिली है। तो हमारा क्या लेना देना है ब्रिजनाथ की बेटी से साहब? वो सरिता सही कह रही है, ये शेर ने किया है। वो दुल्हन को और कौन मारेगा साहब, आप लोग भी ना। आपके वर्कशॉप में इस्तेमाल होने वाले औजार कहाँ है वो? सब औजार का वो हिसाब हमारा सुपरवाइजर रखता है। हेमंत, हेमंत साहब, हेमंत। हाँ सर। तुम, आप जानते हैं इसे? हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुपरवाइजर की नौकरी कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? उस नीति ने बर्बाद जो कर दिया मुझे। पांडे, ये हेमंत जितना सीधा दिखता है उतना सीधा लगता नहीं। पर सर हमने पता तो किया था, हेमंत के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उस रात वो अपने घर पर ही था, और तो और आईपी भी चेक किया उसका, वो उस वक्त ऑनलाइन कुछ वीडियोस देख रहा था। सर वैसे कॉल रिकॉर्ड से एक बात याद आई। क्या? जब मैं कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहा था तो उसमें से मुझे एक सर मेरी बहन नीति के कातिल का कुछ पता चला क्या? ऐसे कैसे कोई घर में घुसकर दीदी को गायब कर सकता है? आप तसल्ली रखिए, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ऐसे कैसे तसल्ली रखूं? एक छोटा सा झगड़ा क्या हो गया? दीदी ने मुझसे बात ही करनी बंद कर दी थी, इसलिए मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आप प्लीज हमें बताइए कि पिछले 1-1.5 महीने से नीति का फोन इनएक्टिव क्यों था? इनएक्टिव? सर ऐसे कैसे हो सकता है, दीदी को तो बहुत सारे कॉल आते थे ऑफिस के काम से। हमने उनके ऑफिस में भी पता किया, वो उस दौरान ऑफिस जाती नहीं थी। सर दीदी बीमारी तक में ऑफिस मिस नहीं करती थी। सर ये कॉल रिकॉर्ड आपको देखने चाहिए। उस दिन अगर तुम अपना बर्थडे घर पर मना रहे थे तो तुम्हारे फोन की लोकेशन जंगल में क्यों दिखा रही? क्या सर सिर्फ उसी दिन का चेक किए? कुछ दिन पहले का चेक करते तो हर दिन का लोकेशन आपको वही मिलता। रनिंग करने जाता हूँ डेली, पिछले 2 सालों में 5 मैराथन भाग चुका हूँ मैं। अगले महीने मुंबई में मैराथन होने वाली है, उसी के लिए प्रिपरेशंस कर रहा हूँ। उस दिन हंगामे के बाद थोड़ा मूड ऑफ हो गया था, इसके लिए रनिंग करने निकल गया। देखो ये रनिंग, ये मैराथन, ये सब बकवास छोड़ो और सच सच बोलो। सर क्या प्रूफ है आपके पास कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे साहब से मिल रहा है, अरे रुको, साहब इस शहर में शेर घूम रहा है, हमें खबर मिली है। आप क्या कर रहे हैं साहब, क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि हमें और हमारे बच्चों को खा जाए साहब? देखिए ये एक अफवाह है, जंगल में कोई शेर नहीं है। लेकिन सरिता जी अपने लोकल न्यूज चैनल में बता रही है साहब के शेर है। मैंने खुद सुनी थी शेर की दहाड़ उस दिन लकड़ी की वर्कशॉप के पास, पर पुलिस तो कभी ये मानेगी नहीं। सर अगर सच में ही शेर हुआ तो कमाल कर रहे हो पांडे, मतलब 10 साल से शेर उस जंगल में है और अब अचानक उसे भूख लगी। पांडे मुझे टेंशन तो इन लोगों की हो रही है, आज तो जैसे तैसे भगा दिया लेकिन डर फैल रहा है शहर में। पांडे अपने शहर में एक प्रोफेसर शेखर है, ये जंगल वगैरह में रिसर्च करते हैं। हाँ सर उसे जंगल का चप्पा चप्पा पता है। उनको बुला के ले जाओ, शहर के लोगों को उनकी बात पर बहुत भरोसा है, अगर वो कहेंगे ना कि शेर नहीं है तो शायद लोग मान जाएंगे। जी सर। मेहनत से ही बिजनेस सेटल किया है, घर के काम नहीं कर पाऊंगी, ऑफिस जाना पड़ता है रोज। घर के काम के लिए तो काम वाली बाई आ जाएगी, बिजनेस आपका पैशन है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब बातें आप सिर्फ मुझे इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं कह रहे? वो जानने के लिए तो आपको शादी करनी पड़ेगी। दस साल से चल रही है शेर की कहानी, एक सर्कस कंपनी आई थी, उनके पास शेर तो था नहीं
लेकिन उन्होंने पूरे शहर में ढिंडोरा पीट दिया कि शेर का खेल दिखाएंगे, और इवेंट वाले दिन उन्होंने कह दिया कि शेर जंगल में भाग गया। तब से लोगों को लगता है कि जंगल में शेर है। प्रोफेसर साहब, अगर जंगल में शेर नहीं है तो फिर ऐसा कौन सा जानवर है जो इंसान की जान ले सकता है? सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने सालों से मैं पेड़ों की गैर कानूनी कटाई के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, और इसीलिए इस जंगल का चप्पा चप्पा जानता हूँ मैं। और जितना मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि जंगल में कोई शेर नहीं है, उतना ही मेरी बुआ लोगों को आकर बोलती है कि इस जंगल में शेर है, शेर है। बुआ? हाँ सर, सरिता जी मेरी बुआ हैं। वो मेरी बात समझती ही नहीं है। लेकिन खैर, अगर आप कह रहे हैं तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि लोगों को समझा पाऊँ। सर, ये ब्रिजनाथ सीधा आदमी नहीं, ये तो लगा था, पर इतना घटिया आदमी होगा ये नहीं सोचा था। ये देखिए उसके फोन से क्या मिला। कौन है? क्यों अपनी बेटी की ऐसी फोटोग्राफ्स लूंगा? ये फोटोज देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि नीति ने खुद में फोटो नहीं खींची, किसी और ने खींची। और ये फोन किसका है? आपका। ये फोटोज आपके फोन से मिली। अब आप मुझे बताइए कि आपने नीति की ऐसी फोटोज क्यों खींची? सर, मुझे नहीं पता कि ये फोटोग्राफ्स मेरे इस फोन में कैसे आए। और सर, आप मेरे बेटे के कातिल को और उस आदमी को क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं जिसने मेरे सारे पैसे और मेरे सारे गहने चुराए हैं? कौन है? अरे कौन है वहां? फिर से आ गए ना तुम लोग यहां पेड़ काटने के लिए? ऐसा क्या देख रही है? आपने सच में दीदी के साथ कुछ किया तो नहीं ना? शादी के कुछ हफ्ते पहले से दीदी का फोन क्यों बंद था? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी घटिया बात करने की? और उसका फोन बंद नहीं था, तो उससे बात नहीं करनी थी। पांडे, ये ब्रिजनाथ के बारे में ए टू जेड सब पता करो, पूरी कुंडली निकालो उसकी। जी सर। ये तो एकदम दुल्हन को जैसे मारा था ना, बिल्कुल वैसे ही मारा है। ये शेर का ही काम लग रहा है भाई। पक्का शेर का काम है ये। जंगल में पेड़ों की बेहिसाब कटाई और नेचर के साथ होती छेड़खानी के कारण आजकल जंगली जानवरों का इंसानों पर हमला करना आम बात है। कुछ ऐसा ही यहाँ भी हो रहा था। गांव के लोगों ने तो इस बात को मान लिया था कि इन सब हत्याओं के पीछे शेर है, लेकिन पुलिस अब भी इस बात को मानने के लिए राजी नहीं थी। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि जिस खूनी को पुलिस ढूंढ रही थी वो एक इंसान नहीं बल्कि एक आदमखोर शेर है? ए, आना। ए, तो वो बोला था ना सब ठीक कर दूंगा मैं, एक बार फिर से अपना घर बसाया है। ये तेरे माँ जैसी नहीं है, बहुत ख्याल रखेगी तेरा। है, चल जा बाहर खेल। है, चल और दरवाजा बंद कर लेना। हाँ।
सर बॉडी की कंडीशन देख के तो लग रहा है कि यह किसी जंगली जानवर का काम है। देखिए डॉक्टर, मुझे आपसे ये शेर वाली कहानी नहीं सुननी। मुझे ये बताइए, अगर किसी इंसान ने मारा हो तो कैसे मारा होगा? तो सर उसके लिए दो हथियारों का इस्तेमाल एक ही साथ हुआ है, एक कुछ हथौड़ी जैसा और दूसरा धारदार औजार। ठीक है सर, दुल्हन की बॉडी पर से जेवर गायब थे, अब ये काम शेर का तो नहीं हो सकता ना? पर सर शेखर की बॉडी पर ना जेवर थे ना पैसे, फिर कोई आदमी उसे क्यों मारेगा? सर कहीं सच में कोई शेर तो नहीं जो जंगल से नदी पार करके इस तरफ आया हो? पांडे, नदी के पार जंगल नहीं गांव है, और फोकस शेर पे नहीं इस पे करो। 3 साल पहले शेखर ने रामदीन के खिलाफ इलीगल पेड़ की कटिंग को लेकर कंप्लेंट दर्ज की थी। मतलब रामदीन के पास शेखर को मारने का मोटिव था, लेकिन उसने अपने वर्कशॉप के पास ही क्यों मारा? सवाल ये नहीं है पांडे, सवाल ये है कि रामदीन ने शेखर को मारने में 3 साल क्यों लगा दिए? या फिर ऐसा हो सकता है कि नीति और शेखर ने रामदीन को एक साथ देख लिया पेड़ काटते हुए, इसलिए उसने नीति को भी मार दिया। सर इस रामदीन को उठा लो। नहीं अभी नहीं, फिलहाल उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे। एक काम करो, रामदीन की पास्ट और प्रेजेंट की पूरी हिस्ट्री निकालो और देखो कोई ऐसा मिलता हो जिसे वर्कशॉप के अंदर की सारी डिटेल्स पता हो। सर वो जीतू था ना जो रामदीन के वर्कशॉप में काम करता था? मैं कह रहा था मैं नहीं आ पाऊंगा इस बार त्योहार पर, यहाँ पे एक अजीब सा मर्डर का केस आया है। पर भैया देखो ना, कुछ हो सकता हो तो। नहीं हो पाएगा, एक दुल्हन का मर्डर हुआ है ना, वो भी बड़ी अजीब तरीके से, पूरा चीर फाड़ दिया उसको। एक दुल्हन के मर्डर का केस हमारे थाने में भी आया था कुछ 1 साल पहले, सेम वैसे तरीके से उसे भी चीर फाड़ दिया गया था और आज तक ये केस सॉल्व नहीं हो पाया। सर मेरा भाई श्याम मेरे गांव पालिका के कांस्टेबल है, तो सर उसके थाने में भी सेम केस आया था जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। सर शेर का तो पता नहीं, लेकिन मर्डर जो है लगभग सेम तरीके से ही हुआ है, और सर जिसका मर्डर हुआ था ना वो एक दुल्हन ही थी। कब हुआ था ये, और उस केस की और कोई डिटेल्स हैं? सर करीब 1 साल पहले की बात होगी, लेकिन सर दुल्हन की आइडेंटिटी अभी क्लियर नहीं हुई है। ठीक है, वहाँ के ऑफिसर से बात करवाओ। जी सर। साहब वो ब्रिज जी के यहाँ पे ज़्यादा पैसे मिले थे मुझे, इसलिए मैं वर्कशॉप पे नौकरी छोड़ देते, और वहाँ पे शेर का भी तो खतरा था ना साहब। मेरे सामने शेर की बात मत करना, समझा? अच्छा मुझे बता कि तेरे वर्कशॉप पे कोई अक्सर रामदीन को मिलने आता था क्या? हाँ, हफ्ते में एक दिन उनसे कोई तो मिलने आता था। उस दिन सबके जाने के बाद साहब वर्कशॉप में अकेले रुकते थे। साहब उस दिन मैं अपना झोला भूल गया था, इसलिए वापस लेने गया था। ए, क्या कर रहे थे इधर? मेरी छुट्टी हो गई ना? साहब मेरा झोला भूल गया था मैं यहाँ पे। हो गया ना, चल निकल। हाँ गया वो, आ जाओ। कौन था वो? साहब मैं ज्यादा कुछ नहीं देख पाया था, रामदीन जी ने मुझे भगा दिया था वहां से। सर एक मिनट, सर ब्रिजनाथ के मोबाइल में जो फोटो मिले थे उन्हें इनलार्ज करवाया। सर ये फोटो में देखिए किसी का रिफ्लेक्शन दिख रहा है नीति की फोटो खींचते हुए, ये। सर ये तो सुलभा है। सुलभा हमारी नौकरानी। सुलभा, सुलभा जी साहब, तो तुमने खींची थी ये इतनी वाहियात फोटोग्राफ नीति की? साहब हम तो नौकर हैं, मालकिन ने कहा था ऐसे फोटो खींचने को। दीदी ये लीजिए। दीदी जल्दी कीजिए, साहब ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। एक मिनट, एक मिनट, चलिए। हाँ पर दीदी के पास खुद का अपना फोन था, तो पापा के फोन से क्यों खिंचवाएंगी? मालिक ने 1.5 महीने पहले फोन छीन लिया था। छीन लिया था? ये घर में क्या चल रहा था पापा? कुछ नहीं चल रहा था। मैं आपकी थोड़ी मदद कर देता हूँ। यहाँ आने से पहले हमने आपके सारे अकाउंट्स चेक किए। पिछले कुछ महीनों में क्रेडिट कार्ड से काफी शॉपिंग की है आपने, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन। अरे पर किसके लिए? घर में ऐसा कुछ नया तो आया नहीं है। आपके घर के लिए नहीं, इन सारी चीजों की डिलीवरी प्रिया के घर पे हुई। प्रिया नीति की दोस्त। अब आप कुछ बताएंगे या फिर बाकी की कहानी मैं प्रिया से पूछ लूं? क्या करती सर, घर में खाने तक को पैसे नहीं थे, और फिर ब्रिज जी मुझे मिले। नीति ने मुझे बताया तुम्हारे बारे में, मैं मदद कर सकता हूँ तुम्हारी, लेकिन बदले में
तुम्हें भी तो कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सर। और नीति को यह बात कब पता चली? और जब नीति ने आपकी इस हरकत का विरोध किया तो आपने उससे उसका फोन छीन लिया, उसका ऑफिस जाना छुड़वा दिया। वो अपने बाप से बदतमीजी कैसे कर सकती थी? और बच्चों को संस्कार सिखाने के लिए ना ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। संस्कार नहीं, डर। इस बात का डर कि कहीं आपकी काली करतूत जमाने के सामने ना आ जाए। और आपको लगा होगा कि शादी के बाद तो आप नीति जैसी कॉन्फिडेंट लड़की को रोक नहीं पाओगे। तो पापा, आपने दीदी को इसलिए शादी वाले दिन भी आप सब प्रिपरेशन छोड़ के आधे घंटे के लिए कहीं चले गए थे, और आते ही आपने दीदी को बुलाने के लिए कहा था। फूल लाने के लिए गया था, पंडित जी ने अचानक से फूल लाने के लिए बोल दिया था। तो आपने अपनी प्रिया को कहा होगा कुछ करने के लिए? नहीं, ब्रिज जी ने मुझे कुछ नहीं कहा था। नीति मुझसे नफरत करने लगी थी, कई बार तो उसने मुझे थप्पड़ भी मारा था, लेकिन मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। और कहती थी किस मुंह से, मुझसे ये सब कुछ और झेला नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने अभय से शादी करने के लिए हाँ कह दिया। सर, वो गांव से ऑफिसर का फोन। हाँ जी, मुझे वो दुल्हन वाले मर्डर केस की डिटेल्स चाहिए थी। हाँ सर, एक फोन मिला था उसके पास से, लेकिन वो बहुत ही डैमेज था और लॉक भी था। बहुत टाइम लग गया उसको ठीक करने में और अनलॉक करने में। अब करीब एक साल के बाद अनलॉक हुआ तो पता चला कि वो यहीं गांव के पास ही रहती थी। दुल्हन की फैमिली का कहना था कि उस लड़की का किसी के साथ चक्कर चल रहा था, लेकिन किसके साथ वो हमें पता नहीं। थैंक यू वेरी मच, और कोई डिटेल्स मिले तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ओके सर। मेरा पूरा परिवार बिखर गया। सर प्लीज बता दीजिए, कौन है मेरी दीदी का कातिल? पापा। देखिए, हमने पता लगाया, आपके पिताजी वाकई में फूल लेने गए थे, तो फिर और कौन रह जाता है? नीति का बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? नहीं सर, ये हो ही नहीं सकता। दीदी का फोकस सिर्फ बिजनेस पे ही था, और दीदी तो ये शादी से भी बहुत खुश थी। तो फिर एक जवान लड़की ऐसे फोटोज किसके लिए क्लिक करेगी? हमने फोन भी चेक किया, हमें कोई नंबर नहीं मिला। शायद वो इंटरनेट कॉलिंग से बात किया करती थी। और इस केस में ये पॉसिबल है कि घर से चोरी नीति ने या फिर नीति और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर की थी। पैसे दीदी ने नहीं चुराए थे, मैंने चुराए थे। मुझे अपना ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए पैसे चाहिए थे, और पापा को मुझ पे भरोसा ही नहीं था, और दीदी मुझसे बात ही नहीं कर रही थी। सर, माधुरी के बॉयफ्रेंड का पता चल गया है। अच्छा, लेकिन वो भी मर चुका है। गांव के करीब 70 किलोमीटर दूर उसकी बॉडी मिली थी। उसका खून भी करीब उसी टाइम पे हुआ है जब माधुरी का खून हुआ था। खूनी ने दोनों को किसी तेज धार हथियार से चीर फाड़ दिया है। कमाल है, तीन खून और वो भी एक ही तरीके से। कोई सरफिरा खूनी घूम रहा शहर में। अरे हमें कांबरे मिलना है। मैं तुम्हें फोन करता हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए साहब, ये आपकी लापरवाही का नतीजा। शेर ने तो इसे लगभग मार ही डाला। तो आप इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए? पहले हॉस्पिटल लेकर जाइए। नहीं, जब तक आप शेर को नहीं पकड़ेंगे हम यहाँ से नहीं जाने। नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। पकड़िए आप। बस। तुम बताओ क्या हुआ था? साहब, मैं जंगल से काफी दूर था और अचानक से पता नहीं कहा देखिए आप लोग विश्वास रखिए, हम आज के आज ही जंगल विभाग से बात करेंगे, लेकिन आप प्लीज इसे पहले हॉस्पिटल लेकर जाइए। पांडे जी साहब, दो चार लोग गांव के मरेंगे नहीं ना जब तक। दीदी मुझसे बात नहीं कर रही थी, तो मैंने क्यों कोशिश नहीं की उनसे बात करने की? दीदी इतनी मुसीबत में थी,
को मेरे साथ की जरूरत थी और मैं इतनी सेल्फिश हूं कि सिर्फ अपने सपनों के पीछे दौड़ती रही। अगर मैं दीदी के साथ होती तो आज दीदी मेरे साथ थी। मेरे रहते हुए घर मर्द को देखती तू? छोड़ मुझे, तुझे खरीद के लाया है मुझे। सबको बता दूंगी कि तूने अपनी पहली बीवी को कैसे मारा है। पूरी दुनिया को बता दूंगी। चार दिन हुए नहीं, इतना लगा हो गया। मैं तेरा बाप, दिन रात कोशिश करता हूँ सब कुछ ठीक हो जाए, और तू उसकी मदद कर रहा है। ए, रुक, 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 सर डॉक्टर ने बताया कि जीतू को किसी शेर ने नहीं बल्कि जंगली कुत्ते ने काटा था। मुझे पता था, वो घबरा गया इसलिए देख नहीं पाए। सर जब तक हम नीति और शेखर के कातिल को इनके सामने नहीं लाएंगे ये लोग हमारी बात नहीं मानने वाले। सर वो रामदीन के बारे में पता करने के लिए बोला था ना सर आप? सर पता लगा कि वो भी मेरे गाँव पाली से है। एक बात और सर, सर वो दुल्हन का जो मर्डर हुआ था उस केस की इन्वेस्टिगेशन से एक बात साफ जाहिर होती है, 6 साल पहले भी सेम तरह से मर्डर हुआ था सर वहाँ पर। किसका? वो भी एक दुल्हन थी क्या? नहीं सर, वो एक आदमी था। इनफैक्ट जिसका मर्डर हुआ था वो खुद एक खूनी था। मतलब 6 साल पहले उस आदमी का खून उसी तरह हुआ था जिस तरह नीति और शेखर का हुआ है। मतलब एक सिरफिरा कातिल 6 साल से घूम रहा है, न जाने उसने कितने कत्ल किए होंगे। सर रामदीन हो सकता है। अच्छा जो मरे हैं उनकी फैमिली में और कौन कौन है? एक बेटा है सर। उस बेटे को ढूंढो, शायद उस बेटे ने उस खूनी को देखा हो। हेलो पुलिस स्टेशन, गोल्ड कॉइन ज्वेलर्स कहाँ से बोल रहा हूँ? हाँ जी बोलिए। आपने जो चोरी की हुई ज्वेलरी की फोटोज हमें भेजी थी उसमें से कोई एक मेरे यहाँ पे बेचने के लिए आया हुआ है। कस्टमर को मैंने बातों में लगा रखा है, अंदर बैठी हुई है। आप लोग थोड़ा जल्दी आइए, वैसे भी बच्ची है। वो नेकलेस मेरा नहीं है, वो नंदू भैया का है। नंदू भैया ने एक डब्बे में छुपा के रखा था, मैंने निकाल लिया। मुझे लगा कि मेरा बर्थडे का गिफ्ट है। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर क्यों 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 मारा? सुनो ना सर, बहुत घुमा लिया पुलिस को, अब मुंह खोल और सच बता, कैसे भगाया नीति को, कैसे उठाया, बोल। बताता हूँ सर। सर मैंने नीति को नहीं उठाया सर, वो खुद आई थी मेरे पास। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, बिलीव मी। लेकिन जब उसके पापा ने मेरा और नीति का रिश्ता तोड़ दिया तो मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन एक दिन खुद नीति ने मुझे फ़ोन किया था, ये कुछ 3-4 महीने पहले, और उसी के बाद हम लोग छुप छुप कर मिलने लगे थे सर। और वो खुद अपने फोटो तुझे भेजती थी? जी सर, बॉयफ्रेंड था मैं उसका, लेकिन भागने का प्लान नीति ने बनाया था और हम लोग भागकर सीधा मुंबई जाने वाले थे। और बराबर शादी वाले थे? हाँ, मतलब नीति का ऐसा प्लान था कि शादी वाले दिन उसके पास ढेर सारे गहने होंगे तो मुंबई में हम लोग आराम से सेटल हो जाएंगे। सारा नीति का आइडिया था, सब राजी खुशी हुआ। तो फिर टेरेस पर खून कहाँ से है और वो जंगल के बाहर डेड बॉडी? जंगल में डेड बॉडी का तो नहीं पता सर, लेकिन वो टेरेस पे खून वाला प्लान मेरा था। हॉस्पिटल से मैं ब्लड सैंपल्स लेकर आया था और मेरे ही कहने पर नीति ने खुद वो ब्लड टेरेस पे डाला था सर। एक्चुअली मेरा और नीति का उस दिन जंगल में मिलने का प्लान था। नीति, नीति, अरे कहाँ हो यार तुम? नीति, नीति तो नहीं मिली, लेकिन उधर झाड़ियों में उसका पड़ा हुआ नेकलेस मिला सर। मेरा विश्वास कीजिए सर, उस दिन जंगल में क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता सर। उस दिन जंगल के आसपास तू अकेला ही था और कोई नहीं था, तुमने जरूर किसी को देखा होगा। नहीं सर, मैं अकेला नहीं था, मतलब और भी कोई था वहां पर। दूर से उसकी शक्ल देख तो नहीं पाया, लेकिन हाँ वो लंगड़ा कर चल रहा था, शायद उसके पैर में कोई तकलीफ थी, और वो रामदीन की वर्कशॉप की ओर जा रहा था सर। सर रामदीन के वर्कशॉप में कौन कितने बजे आता जाता है ये सुपरवाइजर हेमंत को जरूर पता हो। अच्छा वो जिसके पाँव में दिक्कत है सर, वो तो टेम्पररी ड्राइवर था जिसे कुछ सामान लाने के लिए भेजा था। क्या नाम है उस ड्राइवर का? सर सुखबीर, जिसे उस नीति ने काम से निकाला था।
मैंने कुछ नहीं किया सर, वो तो मेरी किस्मत ही खराब जो उस वक्त मैं फैक्ट्री गया था कुछ काम से। ये ब्रेसलेट तुम्हारा है? हाँ सर। नया लिया? हाँ सर। पुराना कहाँ है? पुराना मैं दिखाता हूँ। ये तुम्हारा ही है ना? हाँ साहब मेरा ही है। वो पुराना ढीला हो गया था ना, तो गिर गया होगा शायद। अच्छा, और वो भी वहीं पर गिरा जहां पर नीति की लाश मिली थी? भगवान की कसम साहब, उस वक्त कोई बॉडी वॉडी नहीं थी वहां पे। हम गरीब छोटे लोग हैं ना साहब, इसलिए सब हमें ही परेशान करते। वहां बड़े लोग क्या नहीं करते, कोई कुछ नहीं बोलता उनको। वो रामदीन सिंह। हाँ गया वो, आ जाओ। वो औरत, उसको देखा मैंने उसके साथ, वो शेर शेर करते फिरती है ना शहर में, वही औरत। सरिता? हाँ हाँ वही सरिता। मतलब सरिता और रामदीन? मतलब पेड़ों की कटाई नहीं, आप दोनों के बीच जो रिश्ता है वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे। नीति और शेखर ने आपको सरिता जी के साथ देख लिया था उससे, इसलिए आपने उन दोनों को। सर लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, दूसरे शहर जाकर उस दुल्हन को और उसके बॉयफ्रेंड को क्यों मारा आपने? अरे साहब ये क्या कह रहे हैं आप? सर हमने किसी को भी नहीं मारा है साहब। जब तक सब कुछ सच सच नहीं बता देते तब तक यहां से बाहर जाने नहीं दूंगा मैं। हाँ गुप्ता बोलो। सर उस बच्चे का पता किया है हमने यहाँ से। सर उसके हिसाब से वो बच्चा करीबन एक साल पहले इसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा था, लेकिन अभी वो यहाँ काम नहीं कर रहा है। लेकिन सर एक बात और पता चली है, वो दुल्हन माधुरी जिसका मर्डर हुआ था वो यहीं आसपास किसी स्कूल में काम करती थी, और सर उस बच्चे का घर भी इसी स्कूल के आसपास ही है। तो क्या इस माधुरी का उस बच्चे के साथ कोई कनेक्शन या फिर उसके बाप के साथ कोई कनेक्शन? सर इतना तो नहीं पता, पर यहाँ पे एक गार्ड है, उसने बताया कि वो उस बच्चे को जानता था जब वो बच्चा यहाँ काम किया करता था। गुप्ता मैं एक काम करता हूँ, यहाँ डिस्ट्रिक्ट से एक स्केच आर्टिस्ट भिजवा रहा हूँ, उसका स्केच निकलवाओ। राइट सर। अरे साहब हमें क्यों बंद करके रखा, हमने कुछ नहीं किया साहब, हम कह रहे हैं ना साहब। एक बात बताओ, तुम्हारे वर्कशॉप में जो जो काम करते हैं या करते थे उनमें से तुम्हारे गांव पाली से कौन था? यही है वो? हाँ सर यही है वो। ये लोगों इस गांव में कई जगह देखने को मिलेगा, एक बाबा यहाँ का उसी का ही लोगो है। चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको उस बाबा के घर। तुझे रामदीन ने इसीलिए काम पे रखा था ना, क्योंकि तू उसके गांव से? हाँ रखा था तो साहब। और तुझे नौकरी सिर्फ इसीलिए करनी थी ना कि एक अच्छी सी लड़की से शादी करनी थी? साहब शादी करके घर तो बसाने हैं ना हमें भी। वाह ये कमाल है, लोग शादी करने के लिए मैरिज ब्यूरो में नाम लिखवाते हैं, पेपर में ऐड देते हैं, और तू मर्डर करता है। क्या साहब ये क्या बोल रहे हो आप? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, तेरा वो जंगल वाला बाबा बोल रहा है। थोड़ी जेल की हवा लगी, दो डंडे पड़े तो मुंह खुल गया उसका। साहब मैं शादी करके ना सिर्फ घर बसाने वाला था, वो माधुरी थी ना उससे बहुत प्यार करता था मैं, लेकिन उसने क्या किया, घर से भागने के लिए मेरा ही इस्तेमाल किया। किसके लिए? उस फालतू लड़के के लिए। मार दिया उसे। उसके बाद उसके यार को भी।
हाँ मैं घर से जल्दी निकलकर जंगल में तुम्हारा वेट करूंगी। हाँ तुम लेकिन लेट मत होना। हाँ सारे गहने लेकर आ रही हूँ, पहने हैं मैंने, तुम जल्दी आना बस। नीति ने क्या किया था, उसको क्यों मारा? बाबा ने कहा बलि दो सफलता मिलेगी। फिर बाबा ने मुझे बताया कुछ पाने के लिए बलिदान देना पड़ता है, बलि देनी पड़ती है। एक जानवर एक लड़की को मारकर तुझे सफलता मिली, और शेखर उसकी बलि क्यों दी? आओ, आ रहा रहा। वो शेखर अगर उस दिन बीच में ना आया होता ना तो हमारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। बे कौन है विदू, और ये यहां क्या कर रहे हैं? मार दिया उसको भी। और तेरे माँ बाप, उनको क्यों मारा? मेरी माँ को मेरे बाप ने मारा। वो जो कुछ भी बोलते थे मेरी माँ के बारे में, उनके आशिक के बारे में, सब कुछ झूठ था, सब गलत था। और ये दुनिया वाले उनकी झूठ को सच मानते थे। मगर मैं समझ गया था उस आदमी को, इसलिए मैंने उसको कुल्हाड़ी से मार दिया था। अब चिंता करने की कोई बात नहीं, बाबा ने मेरा शुद्धिकरण करवा दिया है। अब मैं शादी कर सकता हूँ, अपना घर बसा सकता हूँ। तेरा शुद्धिकरण तो बेटा अब हम करेंगे, और तेरा घर है ना ये जेल में बसाएंगे। किसी चीज की बेहिसाब चाहत इंसान को गुनाह के रास्ते पर ले जा सकती है। चाहत पागल पर ना बने इसके लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें कब खुद को रोकना है। जीतू जैसे भोले और महत्वाकांक्षी इंसान की तलाश ऐसे ढोंगी बाबा को हमेशा होती है। वो उनके आसान टारगेट होते हैं। बाबा ने अपने लालच के लिए एक मासूम से बच्चे को एक बेरहम कातिल बना दिया। शादी करने के लिए उसके पागलपन का इस्तेमाल किया। वैसे कहते हैं ना, बच्चे कच्चे घड़े की तरह होते हैं जिन्हें माँ बाप अपनी परवरिश से सही ढांचे में डालते हैं। इसी तरह देखा जाए तो मासूम जीतू से कातिल जीतू तक के सफर की शुरुआत तो उसके बचपन में ही हो गई थी। अगर समय रहते जीतू के माँ बाप जान गए होते कि उनके आपसी झगड़े का उनके बच्चे पर क्या असर पड़ रहा है तो आज जीतू सलाखों के पीछे नहीं होता। माँ बाप बन जाना अलग बात है और जिम्मेदार माँ बाप बनना अलग। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, समय समय पर हाथ धोते रहें और उचित दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।